Bismillahir Rahmanir Rahim. Exercise 6.1. Question number 4. Question number 4. Find the 13th term of the sequence. The 13th term of the sequence. थर्टीन टर्म फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की और सीक्वेंस हमें गिवन है x 1 2 माइनस x 3 माइनस 2 x एंड सो ऑन. हमें ये सीक्वेंस गिवन है और हमें इसकी 13 टर्म फाइंड आउट करनी है. तो 13 टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले a1 और d की जो है वो जरूरत पड़ेगी. तो हम इससे जो है वो d1 फाइंड आउट कर लेते हैं. तो गिवन सीक्वेंस इज वो है x 1 2 माइनस x 3 माइनस 2x अप टू सोन. अब यहां से हमें a1 फाइंड आउट करना है और d को फाइंड आउट करना है. तो हम 13 टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे. आपको बार बार हमने वीडियोस में ये कहा है कि जब भी आपको सीक्वेंस की किसी भी पोजीशन की टर्म फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको a1 और d फाइंड आउट करना जरूरी होता है. तो हर क्वेश्चन जहां आपसे पूछा गया हो कि 13 टर्म 17 टर्म 19 टर्म किसी भी पोजीशन की टर्म पूछी गई हो तो आप लोग पहले a1 और d को फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद आपकी जो रिक्वायर्ड पोजीशन वाली टर्म है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे. तो अब यहां पहली टर्म x है तो हम a1 को कह देते हैं कि वो x है आपके पास और कॉमन डिफरेंस d आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x. अगर आप यहां पर 2 माइनस x माइनस 1 कर देते हैं वो भी आपके पास बनेगा 2 माइनस x माइनस 1 करेंगे वो भी 1 माइनस x बनेगा. तो अब आप लोग जो है वो फॉर्मूला यूज करें nth टर्म का. यूजिंग a n इज इक्वल टू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें आप वैल्यूज लगाएंगे. क्या वैल्यू लगाएंगे? आपको 13 टर्म चाहिए. इसका मतलब है n चूंकि पोजीशन बता रहा होता है तो n को 13 आपने पुट करना है. a1 की वैल्यू पुट करनी है जो कैलकुलेट कर चुके हैं और d की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास a13 की वैल्यू आ जाएगी. तो पुट n इज इक्वल टू 13, a1 इज इक्वल टू x, d इज इक्वल टू 1 माइनस x. ये तीनों वैल्यूज हम इसमें लगा देते हैं तो आपके पास a13 इज इक्वल टू a1 की जगह पर x और प्लस 13 माइनस 1 और ये आपके पास d जो है वो 1 माइनस x है. सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस आपके पास बनेगा 12 इंटू 1 माइनस x और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 12 और माइनस 12 x तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 11 x. तो ये हमारी रिक्वायर्ड 13 टर्म आ गई है इसकी. तो जो हमारे पास 12 माइनस 11 x है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या कहा गया है? हमने 18 टर्म फाइंड आउट करनी है. तो यही रिक्वायरमेंट आपको a1 कैलकुलेट करेंगे d कैलकुलेट करेंगे और फिर हम जो है वो 18th टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर है 5.
और उसकी स्टेटमेंट फाइंड द 18 टर्म ऑफ द एपी एटींथ टर्म ऑफ एपी इफ इट्स सिक्स टर्म इज 19 इफ इट्स सिक्स टर्म इज 19 सिक्स टर्म गिवन है जिसकी वैल्यू है 19 एंड द नाइन्थ टर्म इज 31 और नाइन्थ टर्म भी गिवन है एंड द नाइन्थ टर्म इज उसकी वैल्यू है 31 दो टर्म्स हमें गिवन है एपी की और इन्हीं दो टर्म्स की मदद से हमने 18th पोजीशन वाली टर्म कैलकुलेट करनी है तो वही रिक्वायरमेंट वही प्रोसीजर आपको क्या गिवन है यहां पर देखें सिक्स टर्म गिवन है इसका मतलब है ए सिक्स इज इक्वल टू आपके पास 19 है और इसी तरह आपको गिवन है 19 आपको जो है वो नाइन्थ पोजीशन वाली टर्म तो ए नाइन इज इक्वल टू 31 आप लोगों ने क्या करना है ए सिक्स और ए नाइन को ए वन और डी की फॉर्म में लिखना है तो अब आपके पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो अब अगर हमें ए सिक्स चाहिए तो मैं एन को सिक्स लगा देता हूं तो ये बनेगा ए वन प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी ये आपके पास आ जाएगा ए वन प्लस फाइव डी तो यहां से क्या मालूम हुआ कि अगर आपको एपी की किसी भी पोजीशन वाली टर्म ए वन और डी की फॉर्म में चाहिए तो आप इसको किस तरह लिखेंगे ए वन एज इट इज आ जाएगा और जो डी का कॉफिशियंट होगा वो एन से एक कम होगा यहां पर एन सिक्स है तो डी का कॉफिशियंट फाइव हुआ अब अगर एन आपके पास जो है वो दूसरा नाइन है तो डी आपके पास एट हो जाएगा तो इसी वे से हम अब इन दोनों को लिखते हैं ए सिक्स की जगह पर मैं लिखूंगा ए वन प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 19 और यहां पर ए नाइन की जगह पर ए वन प्लस एट डी इज इक्वल टू 31 अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं इसको वन कह दें और इसको टू कह दें क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए और उसके लिए दो इक्वेशंस का होना जरूरी था और ए वन और डी में हमने दो इक्वेशंस यहां पर बना ली हैं अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल की एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो हम क्या कर देते हैं बाय 1 माइनस 2 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए वन और माइनस ए वन ये कैंसिल हो जाएगा और 5d माइनस 8d ये हमारे पास आ जाएगा यहां से माइनस 3d और फिर 19 माइनस 31 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 19 माइनस 31 ये हमारे पास आ जाएगा यहां से 19 माइनस 31 31 माइनस 19 तो ये 2 और ये आपके पास 1 तो आपके पास आ जाएगा माइनस 12 और d की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 4 तो d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब हम यही d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लगा देते हैं तो हमारे पास जो है वो a1 की वैल्यू आ जाएगी हम इसको लगाते हैं 1 में तो 1 में लगाने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी a1 की तो जब a1 की वैल्यू आ गई तो हम a18 को फिर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको लगा देते हैं पुट इन 1 बनेगा ए वन प्लस फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू 19 इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे
तो ए वन प्लस 20 इज इक्वल टू 19 और ए वन इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 1. तो ए वन की वैल्यू भी आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई. अब हमने फाइंड आउट करनी है 18 टर्म. तो ए 18 अब हम इजीली जनरल फार्मूला, जो जनरल टर्म का फार्मूला है, उसको हम यूटिलाइज करके इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं. यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसमें आपने चूंकि ए 18 फाइंड आउट करनी है तो n को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे 18 और a1 को आप लगाएंगे माइनस 1 और d को आप लगा देंगे यहां पर 4. तो आपके पास a18 की वैल्यू आ जाएगी. तो a18 इज इक्वल टू ए वन आपके पास माइनस वन और प्लस आपके पास 18 माइनस वन इंटू डी 4. तो आपके पास क्या होगा, यहां से देखें, माइनस वन और प्लस 17 इंटू 4. तो आपके पास ये 17 इंटू 4 68. माइनस वन प्लस 68 इज इक्वल टू 67. तो ए 18 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 67 इसकी वैल्यू है. तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें. आप लोगों को ऐसे ही बहुत सी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी हमारी चैनल पर. तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.